नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अल्कलाइन फॉस्फेटेस का किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हो। इस वीडियो में हम एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है किट अपने सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैन्युफैक्चरर अपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में क्लियरली लिख करके देगा। ये इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ आपको हर किट के बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आइए देखते हैं हम किस तरीके से ये इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका इंस्ट्रूमेंट ऑन करना है और उसके मेन मेन्यू पे आ जाना है। यहाँ पर मेन मेन्यू पर टेस्ट ऑपरेशंस को सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि पहले आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी सिलेक्ट टेस्ट मोड, यानी आपको यहाँ पर ये एंटर करना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट किस, ये पैरामीटर किस तरह का पैरामीटर है, यदि ये काइनेटिक पैरामीटर है या फिक्स टाइम है या कोई और। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में मिल जाएगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के नीचे लिखा हुआ है काइनेटिक, इसका ये मतलब है कि यह पैरामीटर जो है ये काइनेटिक पैरामीटर है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक के बगल में एक एरो मार्क भी है जो ऊपर की तरफ है, इसका ये मतलब है कि यह पैरामीटर जो है ये इंक्रीजिंग काइनेटिक का पैरामीटर है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, अगर आप काइनेटिक मोड सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि वो इंक्रीजिंग काइनेटिक है या डिक्रीजिंग काइनेटिक है। तो यहाँ पर क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है इसलिए ये इंक्रीजिंग काइनेटिक का पैरामीटर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे काइनेटिक। अब जैसे ही आपने यहाँ पर काइनेटिक सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए। जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी वो होगी नेम ऑफ द टेस्ट की। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं अपने लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर ALK ऐड कर रहा हूँ नेम। तो जैसे ही आपने अपना नेम ऐड कर दिया तो आपको यहाँ पर एंटर पे सिलेक्ट करना है और आप देखेंगे कि आपका नेम जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी वो इन्फॉर्मेशन होगी प्राइमरी वेवलेंथ की। अब प्राइमरी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में मिल जाएगी, जहां पर मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है वेवलेंथ। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर ने मेंशन करी है 405 नैनोमीटर की वेवलेंथ। तो यहां पर हम सबसे पहले प्राइमरी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे फिल्टर नंबर 1 और इस लिस्ट में से हम वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी थी। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सेकेंडरी फिल्टर की या सेकेंडरी वेवलेंथ की, तो उसे हम ब्लैंक रखेंगे और हम एस्केप दबा करके हमारे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी वो होगी टेम्परेचर की, यानी फ्लो सेल टेम्परेचर की। तो फ्लो सेल टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरर क्लियरली मेंशन करता है कि फ्लो सेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब क्योंकि इस केस में मैन्युफैक्चरर ने 37 डिग्री मेंशन किया है फ्लो सेल का टेम्परेचर और यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी 37 डिग्री ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी होगी। अब हम काइनेटिक फैक्टर को हमेशा 1.0 ही मेंटेन रखते हैं। जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम की ऐड करनी होगी, यानी आप एस्पिरेशन वॉल्यूम कितना रखना चाहोगे। तो एस्पिरेशन वॉल्यूम को आप 500 माइक्रोलीटर ही रख सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा टेस्ट अगर 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हो तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटा करके 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हो। जो अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो यूनिट्स की एंटर करनी है कि आपके पैरामीटर की यूनिट्स क्या होगी। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप अपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में देख सकते हैं, जहां पर आपको देखना होगा लिनियरिटी का कॉलम। तो लिनियरिटी के कॉलम के आगे जो भी यूनिट यहां पर मेंशन की है वही यूनिट आपको आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी एंटर करनी है। तो यहां पर हम यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट में से हम लोग वो वाली यूनिट सिलेक्ट करेंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी थी।
उसके बाद जो हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो ऐड करनी है वो है लैग टाइम की और रीड टाइम की। वापस से ये इन्फॉर्मेशन जो है हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर डिले टाइम मेंशन किया है 60 सेकंड्स का और रीड टाइम मेंशन किया है 30 सेकंड्स का। तो डिले टाइम और लैग टाइम जो है वो एक ही चीज़ होती है। तो आप लैग टाइम पे 60 सेकंड्स एंटर कर सकते हैं और रीड टाइम पे आप 30 सेकंड्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जगह पे मैन्युफैक्चरर जो है वो रीड टाइम मेंशन नहीं करते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो इस जानकारी को भी आप यूज़ करते हुए रीड टाइम को मैं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक रफ पेपर पे आपको उसका फॉर्मूला बताऊं, तो आपका जो रीड टाइम है वो होता है आपका इंटरवल टाइम इनटू नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो यदि आपका इंटरवल टाइम मान लीजिए अगर 30 सेकंड्स है और नंबर ऑफ रीडिंग आपकी 4 है, तो आपका रीड टाइम हो जाएगा 120 सेकंड्स। तो इस तरीके से आप यहां पर रीड टाइम अगर डायरेक्टली मेंशन किया है तो आप वो वाली इंफॉर्मेशन आप एंटर कर सकते हैं, और अगर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है तो इंटरवल टाइम और नंबर ऑफ रीडिंग्स को मल्टीप्लाई करके वो इंफॉर्मेशन आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि हमने देखा लैग टाइम, हमें सबसे पहले लैग टाइम एंटर करनी है और लैग टाइम हमें उतनी एंटर करनी है जितनी की हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में 60 सेकंड्स लिखा है, तो हम यहाँ पर 60 एंटर करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर एंटर करनी है वो है रीड टाइम की। तो रीड टाइम हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में 30 सेकंड्स मेंशन किया है, तो हम यहाँ पर 30 एंटर कर देंगे। उसके बाद हम दबा देंगे एस्केप का बटन। तो हमने लैग टाइम और रीड टाइम की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर एंटर कर दी है। उसके बाद जो हमें अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है वो है ब्लैंक की, कि ब्लैंक हम किससे रन करेंगे, डिस्टिल वाटर से या रिएजेंट से। अब वो वाली इन्फॉर्मेशन भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर ब्लैंक सेटिंग्स में मेंशन करता है कि रिएजेंट से आपको ब्लैंक लगाना है या फिर आपको डिस्टिल वाटर से ब्लैंक लगाना है। अब यहाँ पर क्योंकि रिएजेंट से ब्लैंक लगाना है तो इसके लिए हम ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्लैंक में हम यस कर देंगे। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी है, अगर आप कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा आप रन कर रहे हैं तो उस क्वालिटी कंट्रोल की रीडिंग्स आप यहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल रेंजेस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन, यदि अगर किट में स्टैंडर्ड दिया है तो उसकी कितनी वैल्यू है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में ही पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर क्लियरली मेंशन करता है कि स्टैंडर्ड किट में अवेलेबल है या नहीं है। अब क्योंकि इस केस में कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है किट के अंदर, इसलिए मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर डैश लिखा है। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड के आगे नो ही लिखेंगे। तो अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें एंटर करनी होगी वो फैक्टर की करनी होगी, कि किट के अंदर कितना फैक्टर है। अब वो इन्फॉर्मेशन भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में ही पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है कि किट का फैक्टर कितना है। अब हम फैक्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वो वाली फैक्टर डाल देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में पढ़ी थी। अब फैक्टर की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप यहां पर एंटर दबा दीजिए और आपके होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद आपको जो आखिरी इन्फॉर्मेशन यहां पर एंटर करनी है वो लिमिट सेट की एंटर करनी है, यानी आपको इनिशियल ओडी कितनी, मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस कितना और रिएजेंट की लिनियरिटी कितनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में ही देख सकते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरर क्लियरली मेंशन करता है कि लिनियरिटी कितनी है आपके किट की। तो यही इन्फॉर्मेशन जो है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक एब्जॉर्बेंस लिमिट भी मेंशन करी है जो होनी चाहिए 0.7 से कम। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनिशियल एब्जॉर्बेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे वो वाली वैल्यू जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी थी। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे
और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारी मैक्सिमम डेल्टा एब्जॉर्बेंस पर मिनट, उसको हम ब्लैंक रहने देंगे। उसके बाद जो अगली हमारी इन्फॉर्मेशन है वो रिएजेंट लिनियरिटी की है, तो यहाँ पर हम लिनियरिटी सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी थी। उसके बाद हम एंटर दबा देंगे और एस्केप दबा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किट प्रोग्राम करने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके बाद हमें अगला जो काम करना है वो सिलेक्ट करना है सेव का ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सेव का बटन दबाया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर सेव हो चुका है सॉफ्टवेयर में। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हमें लिस्ट टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें वो वाली विंडो पे जाना है जिस विंडो पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजिशन पर जाकर सेव हो चुका है। अगर आप इस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यदि आप कोई भी पेशेंट का सैंपल रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको अपने आप गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी भी सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर पे आप एल्कलाइन फॉस्फेटेज की आपकी किट प्रोग्राम कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।